Tunnels Television's breaking news. पुलिसकर्मी ने डॉक्टर की बेरहमी से की पिटाई, सीसीटीवी कैमरे में हुआ रिकॉर्ड। सिवान सदर अस्पताल में बीती रात्रि एक पुलिसकर्मी ने अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात एक डॉक्टर की जमकर पिटाई कर दी और उसके साथ आए पुलिसकर्मियों ने डॉक्टर को भद्दी भद्दी गालियां दी। घटना के बारे में मिली जानकारी के अनुसार बीते दिनों पुलिस लाइन सिवान में मुंगेर जिले की रहने वाली महिला पुलिस स्नेहा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी, जिसका शव 40 घंटे से ऊपर उसके कमरे में पंखे से लटका रहा, जिससे उसका शव बदबू देने लगा था। शनिवार की रात करीब 10 बजे जब मुफस्सिल थाने की पुलिस महिला सिपाही स्नेहा की सड़ी गली लाश को लेकर पोस्टमार्टम कराने के लिए सदर अस्पताल पहुंची, तो मेडिकल बोर्ड के निर्णय के आलोक में ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर आलोक कुमार सिंह ने शव का पोस्टमार्टम करने से इनकार करते हुए शव को पोस्टमार्टम करने के लिए PMCH रेफर कर दिया, जिससे वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने के साथ साथ पुलिस पदाधिकारी गुस्से में आ गए। वहीं रात के करीब 1:30 बजे कुछ पुलिसकर्मी इमरजेंसी वार्ड में पहुंचे, जहां डॉक्टर आलोक कुमार सिंह ड्यूटी पर तैनात थे। पहले तो पुलिसकर्मियों ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को गाली देते हुए खरी खोटी सुनाई और फिर एक पुलिसकर्मी ने उनकी जमकर पिटाई कर दी, जिसके बाद डॉक्टर वहां से भाग निकले। वहीं पिटाई का वीडियो CCTV कैमरे में कैद हो गया है। रोहित सिंह, शौर्य रिपोर्ट। हेलो, ठीक है, ऑल साहब ब्लड दिखाई दे रहा है सर के हाथ में। मानेगा मना करी तू गिरानी हो हमनी के छोट छोट को मानता सारा मन ले।